इस वीडियो में आपको सिंगोनियम के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसकी साम संभाल और प्रोपगेशन और हर समय हरा भरा रखने के लिए क्या करें। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गार्डनिंग हेल्प डेस्क के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सिंगोनियम कितने बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रहा है। इस सीजन में इसकी जो ग्रोथ है वो पीक पर होती है। आप इसके लीव्स का साइज देखें, ये मेरे हाथ से भी बड़े हो चुके हैं इसके पत्ते, और इसकी ग्रोथ है जो बहुत वाइड वे में हो रही है। कई लोग इसको बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट भी कहते हैं, लेकिन इसका सही नाम है जो सिंगोनियम है, और इसको एरोहेड वाइन भी बोलते हैं। और ये है जो हमारा मेक्सिको के रेन फॉरेस्ट के ओरिजिन का प्लांट है। अनुकूल परिस्थितियों में इसकी हाइट है वो 8 से 10 फीट तक चली जाती है, और इस प्लांट को जो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है और बारिश का मौसम इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको हेल्दी रखने के लिए हरदम इसमें जो आप पानी देते रहें और स्प्रे की फॉर्म में इन एरियल रूट्स को पानी दें। इन रूट्स को एरियल रूट्स बोलते हैं, और इस प्लांट में वाटर लेवल को मेंटेन रखने में ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। यह रूट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में से जो ह्यूमिडिटी को अब्जॉर्ब करती हैं। ये देखें जो मैंने इस पॉट में है जो ना 4 से 5 कटिंग्स को लगाया हुआ है इस प्लांट में। तो कटिंग से ग्रो करना है अगर आप इसको चाहते हैं, तो आप जो है टॉप वाली ये जो होती है इसको आप चूज़ करना है टहनी, इसको कटिंग से लगाने के लिए, जैसे कि ये वाली बेस्ट है प्रोपोगेशन के लिए। तो मैं इसको काट कर लेके आपको दिखाता हूँ और इसको जो प्रोपोगेट करने का सही ढंग के बारे में बताता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो, तो इसकी मिट्टी आपको बहुत वेल ड्रेनिंग रखनी है। जैसे मैंने पहले कहा था कि इसको ह्यूमिडिटी पसंद है, मगर इसकी मिट्टी में पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। अगर इसमें लंबे समय तक पानी रुका रहेगा तो आपका पौधा जो रूट रॉट की वजह से मर जाएगा। इसलिए आप इसके मिक्स में कोकोपीट का यूज़ जरूर करें, और इसमें जो मॉस टिक्का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे हमारे ये लगी हुई है। इससे होता क्या कि एरियल रूट्स हैं इसमें लग जाती हैं और प्लांट को ऊपर चढ़ने के लिए सहारा मिल जाता है, और जो हमारा प्लांट है जो बिना किसी सहारे के बिल्कुल बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है इसमें एक मॉस टिक्का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कटिंग को लगाने के लिए हम जो ये वाली कटिंग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें जो 2 नोड पॉइंट हैं और इसकी काफ़ी घनी मात्रा में एरियल रूट्स हैं। कटिंग लगाते वक्त आप ध्यान ये रखें कि बारिश का मौसम ज़रूर हो या फिर थोड़ी ह्यूमिडिटी का मौसम हो। अगर शुष्क मौसम में प्रोपोगेट करेंगे तो आपकी जो कटिंग है हमेशा ही फेल होगी। तो प्रोपोगेशन के लिए बरसात का इंतज़ार करें, और अगर आप इसको किसी और मौसम में देख रहे हैं तो कम से कम फरवरी का इंतज़ार ज़रूर करें। इसमें हमारी जो कटिंग है बढ़िया से ग्रो कर जाती है। ये देखिए मैं उस प्लांट से जो कटिंग को ले आया हूँ, और आपकी कटिंग में जो 2 नोड पॉइंट होने बहुत ज़रूरी हैं, और अगर इन पे एरियल रूट्स हो तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए आप ऐसी कटिंग सेलेक्ट करें जिस पे कम से कम 2 नोड पॉइंट जरूर हों, और इसके बॉटम को आपने जो सफाई से बिल्कुल काट देना है। जैसे कि आप देख पाएं कि मैं इसमें जो काटूंगा तो इससे जो कुछ दूध टाइप का निकल रहा है, तो इसको सैप बोलते हैं। ध्यान रखें कि ये जो है आपकी आँख वगैरह में न चले जाए, जिससे आपको इरीटेशन हो सकती है, और आपका जो ब्लेड है वो काफ़ी शार्प होना चाहिए और जो कट है वो काफ़ी क्लीन होना चाहिए। मैं इसके लिए जो है दही वाली मटकी यूज़ करूँगा इसको प्रोपोगेट करने के लिए। जितना छोटा आपका पॉट होगा आपको रिजल्ट उतने ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेंगे। और जो मिक्स मैंने यूज़ किया है उसमें 3 हिस्से कोकोपीट हैं और 1 हिस्सा कंपोस्ट है, और दोनों जो है आपको है बढ़िया से मिक्स कर लेने हैं और पॉट में भरना चालू करें। आपके पॉट में ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम इसमें 2 होल होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जबकि मैंने इसमें 4 किए हैं। एक्सेस वाटर निकालने के लिए ये सफिशिएंट है, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। कटिंग को पॉट में प्लेस करके इसमें हम मिक्स भरना चालू करेंगे, और आप एक्स्ट्रा लीव्स को जो हटा भी सकते हैं, जिससे हमारी जो कटिंग का जो वेट है थोड़ा हल्का हो जाएगा और ये हिलेगी नहीं। तो कटिंग को पॉट लगाते वक्त दोनों नोड पॉइंट इसके अंदर होने चाहिए, ताकि जो रूट्स की नई ग्रोथ है वो जल्दी हो जाए और जो हमारा जो प्लांट है जल्दी ग्रोथ को पकड़े। कटिंग को इसमें प्लेस करने के बाद मैं जो इसमें मिट्टी भर दूंगा और पॉट को हिला हिला कर इसमें जो मिट्टी भरें, ताकि बाद में आपकी कटिंग हिले ना। आपकी कोई भी कटिंग फेल होने का यही कारण होता है कि वह हिल जाती है, क्योंकि नई ग्रोथ वाली रूट्स होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, और वह जो थोड़ा सा हिलने से भी जो टूट जाती हैं और आपकी कटिंग डेड हो जाती है। तो इसको जो आपको कटिंग को ठोक ठोक के जो इसमें मिट्टी भर देनी है, क्योंकि हमारा जो मिक्स है ये काफ़ी वेल ड्रेनिंग होता है, इसमें जो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पानी रुकने की। कटिंग को रखने के बाद आप इसको जो इस पॉट को ऐसी जगह रखें जहाँ सीधी धूप ना आती हो, और इसको कोई हिलाए ना, इसे टिका कर कहीं रख दें और हर तीसरे दिन इसमें पानी देते रहें। रोज़ पानी देने की वजह से भी आपकी कटिंग रूट रॉट हो सकती है, इसलिए इसको है तीसरे दिन पानी दें। और अगर आप इसको ग्रीन नेट के अंडर रख देंगे तो आपको और भी बढ़िया हो जाएगा, वरना आप इसको जो अपने पौधों की छांव के नीचे रख दें जो आपके गार्डन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं 12 से 15 दिन के बाद हमारी कटिंग बढ़िया प्रोपोगेट हो गई है। आप देखें कि इसने जो एक नई लीव निकाली है, आप पिछली क्लिक में देखें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 2 ही पत्ते थे और अब एक नया पत्ता आ गया है। तो इससे साबित हो जाता है कि हमारी कटिंग जो प्रोपोगेट हो गई है और इसकी रूट्स ने जो ग्रोथ पकड़ ली है।
अगर मैं चाहूँ तो आपको इसकी रूट्स भी चेक करवा सकता हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल सही समय नहीं है इसकी रूट्स को हिलाने का, क्योंकि रूट्स के साथ छेड़छाड़ करने से वह शॉक में आ जाएंगी और हमारा चला चलाया प्लांट है जो वो डेड हो जाएगा। और इसको जो आपने है रिपोर्ट करना चाहते हैं तो अगले 20 दिन का इंतजार करें, या फिर कह ले तो आप इसके जब 3 से 4 पत्ते और नए आ जाएं तभी इसको रिपोर्ट करें, उससे पहले आप इसके साथ छेड़छाड़ ना ही करें तो बढ़िया है। आप देखें यहाँ पे भी जो थोड़ी थोड़ी ना एरियल रूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं, और अगर आप इनमें पानी स्प्रिंकल करते रहेंगे तो ये भी थोड़ी ना बड़ी हो जाएंगी और पॉट के अंदर चले जाएंगी, जिससे हमारी जो रूट्स की जो स्ट्रक्चर है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और हमारा प्लांट है और तेज़ी से बढ़ेगा। अगर आप तो दोस्तों ये देखें कि काफ़ी दिन हो चुके हैं हमारी इस कटिंग को लगाए हुए, और आप देखें कि इसने 3-4 लीव्स है वो नए निकाल लिए हैं, तो पुराने लीव थे वो मैंने तोड़ दिए थे। और देखें कि अब इसको काफ़ी समय हो गया इस छोटे से पॉट में, तो अब समय है इसको रिपोर्ट करने का। ये देखें जो एरियल रूट्स मैं आपको बता रहा था कि पानी से स्प्रिंकल करते रहें, और वो हैं जो बड़ी होकर वो पॉट के अंदर चली गई हैं। तो आज मैं जो आपको इसको जो है इसको बाहर निकाल के दिखाऊंगा, इसको पॉट में से रूट्स को चेक करूँ, क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि रूट्स चेक करवाइए, उनको लगता है कि कहीं हम यूं ही वीडियो बना रहे हैं, फेक वीडियो बना रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको जो इसकी रूट्स है वो चेक करवाने जा रहा हूँ। आप ध्यान रखें कि इसको जो आप किसी शार्प जो ब्लेड से ना इसको काट दें, जो आप इस पॉट हमने यूज़ किया था वैसा पॉट आप यूज़ करेंगे तो उसको काट दें, इसको यूं ही खींच के मत निकालें जिससे हमारी रूट्स है वो टूट सकती हैं। और इसको जो ब्लेड की जो टिप को यूज़ करें, क्योंकि अगर हम काफ़ी ज़्यादा इसको डीप यूज़ करेंगे तो हमारी जो रूट्स है वो कट सकती हैं। तो इसको जो आप टिप से या जो ब्लेड की वो इसको काट दें सारी की सारी को, और आप देखें कि जो रूट है वो बहुत बड़ी हैं, वो बन चुकी हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी हैं। इसको जो टोटल है वो 1 से 1.5 मंथ हो चुका है इस प्लांट को इसमें पॉट किए हुए। तो अगर इसको सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी से है जो ज़्यादा बढ़ नहीं पाया, इसको हमने खाली कोकोपीट में ही लगाया था जिसकी वजह से जो इसकी रूट्स हैं वो बढ़िया ग्रो हो गई हैं, लेकिन इसने ऊपर की ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं की है। आप देखें कि जो इसमें कोकोपीट लगाने का यही फ़ायदा होता है कि ये रूट से बहुत आसानी से हट जाती है, इसलिए जो हमें आगे रिपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। आप देखें कि रूट्स हैं वो काफ़ी लंबी लंबी हो चुकी हैं और काफ़ी जो है डेंस हो चुकी हैं। तो अभी हमारा प्लांट है वो फुली मैच्योर हो गया है, इसको हम किसी बड़े पॉट में लगा सकते हैं। तो अब लगाने के लिए जो आप कोई पॉट करें यूज़ कर रहे हैं वो कम से कम 12 इंच का पॉट यूज़ करें, जिससे आपको बहुत जल्दी जो है आगे आपको बदलना नहीं पड़ेगा इसका पॉट, और उसमें एक मॉस्टिक जरूर ऐड करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और ऐसे नए कंटेंट को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।